क्या कोई इंसान 70 सालों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है? सवाल पूछते ही चौंक गए ना। अब सोचिए, जब सवाल इतना चौंकाने वाला है तो जवाब कितना हैरान करने वाला होगा। आज हम आपको एक ऐसे ही महान शख्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 70 सालों तक बिना कुछ खाए पिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। यानी 70 साल तक चलने वाली फास्टिंग के आगे अन्ना हजारे जी का अनशन भी कुछ नहीं था। जी हाँ, अन्ना हजारे, आप सभी जानते हैं उन्हें। कैसे इस महान इंसान ने सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए एक लंबा चलने वाला अनशन किया था, जिसके आगे नेता, अभिनेता, हर शख्स ने उन्हें शत शत नमन भी किया था और उनका ये अनशन दुनिया में मशहूर हुआ था। वो बड़ा अनशन भी 70 साल के अनशन के आगे कुछ नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए बताते हैं उस महान शख्स का नाम, जिसने 70 साल तक बिना कुछ खाए पिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। उस शख्स का नाम है योगी प्रहलाद जानी और उनके भक्त उन्हें चुनरी वाली माता के नाम से भी जानते हैं। और ये योगी प्रहलाद जानी बाबा गुजरात के बनासकांठा के रहने वाले थे। अब अगला सवाल आपके मन में ये जरूर चल रहा होगा कि बाबा भी बोल रहे हैं, चुनरी वाले माता जी भी, भाई ये क्या मामला है? और ये बाबा 70 सालों तक बिना कुछ खाए पिए भला जिंदा रह कैसे सकते हैं? क्या बाबा के अंदर कोई दैवीय शक्ति थी या फिर भगवान की विशेष कृपा? दोस्तों यकीन मानिए, जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आपको पूरा मामला समझ में आने लगेगा और आपके दिल में आने वाले तमाम सवालों का जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए दर्शक हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले बटन को दबाइए और लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। 70 सालों तक लगातार बिना कुछ खाए रहने वाले इस महान शख्स ने आखिरी बार वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त, यानी साल 1939 से लेकर 1945 के बीच में खाना खाया था। वाकई ये सच है। अगर आपको लग रहा है कि बाबा पानी या फिर किसी दूसरे लिक्विड डाइट पे जिंदा थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर बाबा इतने सालों तक जिंदा कैसे थे? ये सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको बाबा के नाम और लुक से जुड़े एक अनोखे कनेक्शन के बारे में पहले बताते हैं। दरअसल ये बाबा साड़ी, सिंदूर और नाक में नथ पहनते थे और हर वो श्रृंगार करते थे जो अक्सर महिलाएं करती हैं, और साथ ही साथ लाल चुनरी भी ओढ़ते थे। उनके भक्तों का मानना था कि उन पे देवी अम्बा की असीम कृपा है और इसी के चलते वो बिना कुछ खाए पिए इतने सालों तक जिंदा थे। हालांकि 26 मई 2020 को बाबा चुनरी वाले माता ने गुजरात में ही अपना शरीर त्याग दिया था। अब आते हैं इस चौंकाने और हैरान करने वाले सवाल पे कि कोई 70 साल तक बिना कुछ खाए पिए कैसी जिंदगी काट सकता है। असल में बाबा पूरी तरह से मेडिटेशन पे डिपेंड थे। उनका कहना था कि ध्यान से उन्हें वो एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, बाबा के इस बात पर भक्तों के अलावा कोई दूसरा यकीन नहीं करता। इसीलिए बाबा के इस राज को जानने के लिए वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम बनाई गई, जिन्होंने बाबा को कई सालों तक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा ताकि वो पता कर सकें कि आखिरकार ये राज है क्या। इस दौरान समय समय पे उनके बॉडी पर तापमान और इनके अंदर होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेस यानी जैवीय रासायनिक प्रक्रिया को भी स्टडी की गई, मगर किसी में कुछ भी नहीं मिला। डॉक्टर सुधीर शाह, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है और वो उस रिसर्च का हिस्सा भी रह चुके थे, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर सालों बाद कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जिसमें लिखा था कि बाबा प्रहलाद जानी के पास एक अद्भुत क्षमताएं और पावर है। उन्होंने अपने शरीर को इस हिसाब से बना लिया है कि वो बिना कुछ खाए पिए सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इस अनबिलीवेबल फैक्ट को हर कोई अपने अपने तरीके से देखता है। कोई कहता है कि बाबा पे देवी माँ का आशीर्वाद था, तो कोई इसे बाबा की मेडिटेशन पावर का करिश्मा कहता है, मगर असल में हकीकत क्या है ये सिर्फ बाबा के अलावा और कोई दूसरा नहीं जानता था। वैसे हमारा देश ऋषियों मुनियों का देश कहलाता है, जहाँ धर्म लोगों का जीवन है। ऐसे में हर कोई अपने अनुसार जिंदगी को चलाता है। बाबा चुनरी वाले माता जी की तरह कई और हस्तियां और साधु सन्यासी मिल जाएंगे जिनका जीवन पूरी तरह से रहस्यमयी रहा है और वो ईश्वर की तलाश में सैकड़ों सालों से पता नहीं कौन कौन से गुप्त जगहों पर रहकर मुश्किल से मुश्किल साधना करते हैं।
हालांकि ऐसे भी बाबा हैं जो अपनी जादूगरी ट्रिक से लोगों को भुलावे में डालते हैं और कहते हैं कि उनके पास ईश्वर की शक्ति है। अब कौन असली है और कौन नकली, इसका फैसला हमें और आपको स्वयं विवेक से लेना चाहिए। फिलहाल आप इन चमत्कारी बाबा की दिव्य शक्ति के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास चैनल से जुड़े कोई सुझाव हो तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो बस वीडियो को झटपट लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा।